ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों बुर्के पर बवाल मचा हुआ है। बुर्के को लेकर ऑस्ट्रेलिया की संसद में एक अजीबोगरीब वाक्या सामने आया है। ये देखिए, ऑस्ट्रेलियाई संसद में बैठी ये महिला ऊपर से लेकर नीचे तक बुर्के में ढकी हुई है। करीब 20 मिनट तक ये महिला बुर्का ओढ़े रहती है और संसद में मौजूद बाकी सांसद इस बात से अनजान होते हैं कि बुर्का पहनी ये महिला कौन है। लेकिन जब ये महिला अचानक से खड़े होकर बुर्का उतारती है तो ये और कोई नहीं बल्कि विपक्ष की सांसद पॉलिना हैंसन निकलती हैं, जिसके बाद अपनी सफाई में हैंसन कहती हैं कि देश की बड़ी आबादी बुर्के पर प्रतिबंध चाह रही है, ऐसे लिबास पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन उनकी इस हरकत पर सदन में मौजूद बाकी सांसदों ने कड़ी निंदा की। यहाँ तक कि अटॉर्नी जनरल जॉर्ज बेंडिस ने हैंसन की इस हरकत को स्टंट करार दिया और कहा, किसी समुदाय का उपहास बनाने के लिए, उन्हें किसी कोने में धकेलने के लिए उनके धार्मिक लिबास का मजाक बनाना बहुत ही बकवास है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी आपने किया है के बारे में एक बार आप जरूर सोचना। पॉलिना हैंसन की माने तो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इस काले लिबास जिसे बुर्का कहते हैं उसे प्रतिबंध लगा देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ बाकी सांसदों का मानना है कि इससे दूसरे धर्म के लोगों को ठेस पहुंचती है। ये एक बड़ा सवाल है कि विदेशों में बढ़ते धमाकों के चलते बुर्के पर बैन लगा देना कहां तक सही है। इस पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।